10 फरवरी से प्रदेश के सभी डॉक्टर पैनडाउन हड़ताल पर उतर आए हैं। डॉक्टरों की इस 2 घंटे की हड़ताल चंबा मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाले रोगियों के लिए परेशानी का सबब बनती दिख रही है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग डॉक्टरों का इंतजार करते दिखे, लेकिन डॉक्टर हड़ताल पर होने के कारण लोगों को काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा। कितनी देर होगी यहाँ पर बैठे हुए? हम कल भी आए थे और कल भी आने से यहाँ सुना कि डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए हैं, और उसके बाद या फिर 2 बजे के बाद बैठे तो रस बहुत ज़्यादा था, फिर कल वापस चले गए घर, और सुबह आज फिर से आए हुए 9 बजे के यहाँ पर लगे हुए हैं लाइनों में। कितने किलोमीटर का सफर तय करके आप रोज यहाँ उपचार के लिए आ रहे हैं? सर 2-3 दिन पीछे तो यहाँ रस होने के कारण ऐसे आ नहीं रहे थे, तबीयत थोड़ा ख़राब थी, तो इसलिए डॉक्टर के पास आए तो यहाँ ये हाल है, और 2 दिन आते हो गए हैं। आपको पता था यहाँ आने से पहले कि आज डॉक्टर? जी 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 पता था। कितनी देर यहाँ इंतजार? मैं 9 बजे से खड़ी हूँ यहाँ से। क्या दिक्कत आ रही है आपको, जैसे डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं तो क्या? तो आप देख ही रहे हो क्या दिखते हैं, खड़े हैं लोग सुबह से लाइन में। डॉक्टरों की डिमांड है वो क्या पूरी होनी चाहिए? सर जो जायज़ है वो पूरी होनी चाहिए, नाजायज़ तो पेशेंट भी सफ़र कर रहे हैं, डॉक्टर भी सफ़र कर रहे हैं, ये नहीं कि डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि सारा बर्डन तो उन्हीं पे है। आया सर मरीज के साथ आया हुआ है और डॉक्टर नहीं पहुँचा है, तो 9 बजे से लेकर अभी तक जानी डॉक्टर के इंतजार में हूँ, और बहुत दिनों से घूम रहा हूँ बाजार में। आप इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, क्या आपको पता था कि चिकित्सकों की स्ट्राइक है? नहीं सर नहीं पता नहीं था, बहुत 62 किलोमीटर दूर दूर से आए सर। ग्राम पंचायत हिमगिरी से दूर दराज कृषि क्षेत्र से आया हूँ मरीज को दिखाने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर वगैरह नहीं है, काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है, यहाँ लोग बैठे हैं काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, जो कि कई ऐसे भी मरीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को, ये चीज़ें बहुत गहनता से देखने चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम धर्म सिंह है, मैं हिमगिरी से आया हूँ बहुत दूर से। और मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं पंचायत संधि से आया हूँ, और मैं अपनी बुआ के साथ आया हूँ। आज मेरा 4th दिन है सर यहाँ पे, और कभी इमरजेंसी में रखते हैं कभी कहाँ रखते हैं, और इनकी पेशेंट की इतनी बुरी हालत है कि हम बता नहीं सकते हैं। डॉक्टर की तो मांगे पूरी हो जाएंगी सर, पर गरीबी कब करेंगे ये बताओ ना पहले मुझे, इनकी तो मांगे सभी पूरी कर देंगे, हम गरीब हैं सर, हमारी कौन करेगा, मजदूर आदमी बताओ हमें कौन करेगा हमारी मांगे पूरी। ये सभी जो लाइन में लगे हैं कोई है ना जो अमीर है, सभी गरीब है सर। डॉक्टरों के डॉक्टरों ने अपनी पे बढ़ा लेनी, हर चीज़ बढ़ा लेनी है, हम गरीबों का कौन है, कोई नहीं है सर। हमारी तरफ ही देखो कितने कितने MD है, 3-3 MD आज एक भी नहीं है, हमारी गलती है इसमें, सरकार के पास जाएंगे हम तो आगे। धन्यवाद सर। हड़ताल का पता था? नहीं सर हमें नहीं, हमें कोई हड़ताल का पता नहीं सर, इन्हें प्रेस में देना चाहिए ना पहले की हॉस्पिटल बंद होगा, ये तो कुछ भी नहीं करते सर। मेरा नाम निकू राम है, मैं कीड़ी से आया हूँ। जी सर, सर हम सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, अभी डॉक्टर आए नहीं है, कम से कम 2 घंटे हो गए हैं लाइन लगे हुए। सर आपको पता था कि आज जो है चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की हड़ताल है? नहीं सर हमें कोई पता नहीं था, यहाँ पे आके लगा पता कि हड़ताल चली हुई है कुछ। रोजाना 1 हफ्ते की हड़ताल डॉक्टरों ने अब घोषित की है 2 घंटे के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, हमारी सुनवाई होती नहीं है। अब बाकी फिर आप सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर पहुँचा हूँ, अभी तक कोई भी डॉक्टर नहीं आया है, तो आपको पता था क्या डॉक्टर की जो? मेरे को कोई पता नहीं था सर। ये जो डॉक्टरों की हड़ताल है इनकी जो डिमांड है वो क्या पूरी होनी चाहिए? होनी चाहिए सर, मेरे तो उससे ख्याल से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मरीजों का आप देख रहे हो कितना रस वगैरह होता है,
और इसी कारण उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। क्यों नहीं से आया हूँ जी, 9:30 बजे से यहाँ पे बैठा हूँ। मेरी मिसेज की जो है बाजी फ्रैक्चर है। क्या आपको पता था कि यहाँ चिकित्सकों की हड़ताल चल रही है? नहीं, मुझे ये पता नहीं था। चिकित्सक हड़ताल पर है 2 घंटे की रोजाना, और आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी बढ़ गई है इस समय। क्या बोलना चाहेंगे इस हड़ताल को लेकर, क्या ये हड़ताल जायज़ है? अब इसमें मैं क्या बोलूँ कि इनका क्या इशू है, क्या नहीं है, किस वजह से इन्होंने पेंडेंट स्ट्राइक की है। वहीं डॉक्टरों से जब इस विषय को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह अपनी मांगों को लेकर 2 घंटों तक पेन डाउन हड़ताल पर हैं, लेकिन इस दौरान भी इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा गया है ताकि लोगों को समस्या ना हो, परंतु उनकी मांगें जायज़ हैं जिस कारण वह अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, और अगर 1 सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो वह अपने आंदोलन को और अधिक उग्र कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश भर में और जिसके साथ साथ चंबा जिले में भी जितने भी चिकित्सक हैं वो 1 हफ्ते के लिए अपने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके पीछे जो भी रीज़न है, ये बार बार हमारे एसोसिएशन के द्वारा या स्टेट के एसोसिएशन द्वारा सरकार के समक्ष रखे जा चुके हैं। ये जो हमारा प्रदर्शन है ये 7 दिनों तक जारी रहेगा, 2 घंटे के पेन डाउन स्ट्राइक, और यदि इस 7 दिन के बाद भी सरकार अपनी संवेदनशीलता जो है डॉक्टरों के प्रति नहीं दिखाती है तो हो सकता है भविष्य में ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र भी करना पड़ सकता है। धन्यवाद। जी हाँ, आपातकालीन सेवाओं के बारे में बताना चाहूँगा कि जिला चंबा में किसी भी हॉस्पिटल में आपातकालीन सेवाएँ किसी भी रूप से प्रभावित नहीं हुई है, और हम ये चाहेंगे कि सरकार ये जो जितने भी हमारे मुद्दे इसके प्रति जल्दी से जल्दी कोई फैसला ले, क्योंकि कोई भी डॉक्टर चंबा में ऐसा नहीं है जो चाहता है कि लोग जो है वो 9:30 से 11:30 बजे तक भी किसी भी रूप से सफ़र करें। धन्यवाद। सरकार को अलग अलग जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी वेरियस एसोसिएशन जो है इनके साथ मिल चुके हैं और अपना जो एक डिमांड चार्टर है उनके साथ हम दे चुके हैं, और हम ये पिछले 1 महीने में 4 बार मुख्यमंत्री जी के साथ मिल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आला अधिकारी द्वारा इस बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया, तो हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ जल्दी से। अगर 1 सप्ताह में आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो इसके बाद आप जी क्या जी इस बारे में जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है और HOM स्टेट जो है इनके सदस्य जो भी फैसला लेंगे उसके साथ पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के चिकित्सक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और उनका साथ देंगे। धन्यवाद। चंबा जिले में सर कितने चिकित्सक जो है अभी हड़ताल पे? चंबा जिले में आप ये समझ लें कि 45 हमारे PHC हैं, 4 हमारे CHC हैं, 7 हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं और 1 मेडिकल कॉलेज है, और इनमें जितने भी चिकित्सक हैं वो सभी के सभी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। जैसे कि मेरी कुलीग ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम जो भी हमारे वेतनमान में विसंगतियां हैं उनके खिलाफ हम ये हड़ताल कर रहे हैं। अभी तक 7 दिन के लिए 2 दिन की हड़ताल है, और अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो भी डिसीजन लिया है, अगर हमें पूरे दिन भी हड़ताल पर जाना पड़ता है तो हम जाएंगे, क्योंकि हमारी ऐसी कोई भी मांग नहीं है जो कि बिल्कुल जिसको बोल जाए वैध नहीं है। दैट्स वाई कि हम चाहते हैं कि इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि जो पेशेंट्स को दिक्कत हो रही है इस वजह से वो उन्हें ना हो।